फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और वैशाली से एक बड़ी खबर है, जहां छापेमारी करने गई बिदुपुर थाना पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें कि लड़की को भगाने के आरोप में महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया गया था और उन सभी को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं पुलिस पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना महिला कांस्टेबल के महिला की गिरफ्तारी की गई है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने हाजीपुर महना सड़क को भी जाम कर दिया। थाना प्रभारी को अविलंब सस्पेंड करो। पता नहीं है, रात को 1:30 बजे सीधा पुलिस आई, दरवाजा खटखटाई और दरवाजा नहीं खुलने पर जबरदस्ती तोड़ के अंदर घुस गई। उसके पास ना कोई वारंट था, ना कोई पेपर था और कोई महिला कांस्टेबल भी उसके साथ नहीं थी। मम्मी को मेरे धक्का दी है, बहन को मेरे जबरदस्ती किसी गाड़ी में बिठाया और पापा को भी बिठाया है। अंदर घुस है या अंदर घुस गया है, लड़की के उठा के मारी तोड़ के गिरा दिया है, लड़की के उठा के ले गया है, किसी आते हुए ले गया है, लड़की के खूब बेइज्जती किया है, ऐसा पीटा है सबको, खाली पुलिस था, महिला नहीं था। बात करें पूर्वी चंपारण की, तो नदी और झील के किनारे झाड़ियों और सुनसान जगहों पर शराब कारोबारी शराब के भट्टियों का संचालन कर रहे हैं। बंजरिया थाना के झखिया झील के किनारे शराब भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। बता दें कि उत्पाद विभाग ने बड़ी संख्या में भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 5,000 लीटर जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया है और इसके साथ ही 200 लीटर चुलाई शराब को भी बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक केशव कुमार झा ने बताया कि कारोबारियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। घीचा 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 कस के पास और इसमें देखिए। हाँ घीचा 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 पास को जी इधर इधर मचा दो चारों तरफ इधर झोजे पास को जी इधर। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने हनुमानगढ़ी के प्राथमिक विद्यालय में छापेमारी कर एक ट्रक और स्कूल परिसर में रखे 414 कार्टून शराब को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के नंबर की ट्रक से शराब की खेप बेगूसराय लाई गई थी। मुफस्सिल थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर ट्रक और शराब को बरामद कर लिया। हालांकि इस दौरान सभी शराब तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस ने बताया कि शराब तस्कर की पहचान कर ली गई है और जल्द ही शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हनुमानगढ़ी के पास सूचना मिली कि वहां पर शराब से लदी कोई गाड़ी देखी गई है। इस सूचना के आलोक में हम लोग वहाँ तत्क्षण पहुँचे और प्राथमिक विद्यालय हनुमानगढ़ी के बरामदा में शराब उतार करके रखा गया था और गाड़ी भी वहीं पर थी जहाँ पर की शराब था। दरभंगा में डीएमसीएच के बच्चा वार्ड में बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने एक प्रतीक्षालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष हरीश सहनी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं विनोद नारायण झा ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में डीएमसीएच का सर्वांगीण विकास हुआ है। किस टाइप के डेवलप कर सकते भारत सरकार और राज्य सरकार की इच्छा से अनेक योजनाएं इस पे चालू की गई हैं और चालू होने वाली, उसमें हम लोगों की भी उपस्थिति हो, इस दृष्टि से भी हमने अपने विधान पार्षद का जो मेरा कोष था इससे कुछ लगाने का निश्चय किया है और इसलिए उसका शिलान्यास कार्यक्रम है। उधर दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत अंतर्गत एक पशु घर में अचानक आग लग गई, जिसमें एक गाय की जलकर मौत हो गई, वहीं एक भैंस भी बुरी तरह से झुलस गई। कई घंटों के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं प्रखंड मुख्यालय से पशु चिकित्सक घटनास्थल पर पहुंचकर झुलसे भैंस की इलाज की। हो हल्ला होने के बाद मलपट्टी का भी आदमी आ गया, तब तक फरगरेट आ गया आग बुझाने वाला, थाना भी आ गए सर उस समय में, सभी आदमी मिल करके वो आग को काबू पाया वहाँ पर, तब आग बुझाया, इसमें जानवर भी जल गया।
मुख्यमंत्री जी, आपके बिहार में कानून तो भ्रष्टाचार को लेकर बनाए जाते हैं, पर आपके ही कानून की धज्जियां उड़ाते आपके ही अधिकारी शिक्षा के मंदिर में नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि सुपौल के MDM DPO विमलेश कुमार चौधरी का पैसा लेते एक वीडियो वायरल हुआ है। जरा इस वायरल वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह यह भ्रष्ट अधिकारी विमलेश चौधरी सारी हदों को पार करते हुए सरेआम रिश्वत की मांग तो कर ही रहा है और साथ ही रिश्वत ले भी रहा है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है, वहीं इस तरह का वीडियो आना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। खैर, देखने वाली बात तो ये होगी कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है या फिर प्रशासन सिर्फ मुखदर्शक बनी रहती है। बिहार के सुपौल जिला मुख्यालय से एक सनसनीखेज मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता के पति मनोज कुमार चौधरी ने जिले के आला अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर डॉक्टर शीला कुमारी राणा पर ऑपरेशन के दौरान अपनी पत्नी आशा देवी का एक किडनी निकाल लेने का आरोप लगाया। पीड़िता व उसके पति का आरोप है कि जून 2017 में डॉक्टर शीला कुमारी राणा मेरी गोल्ड रौनक राज हॉस्पिटल में ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। ऑपरेशन से पहले कई टेस्ट व कई अल्ट्रासाउंड भी कराए गए जिसमें उसकी दोनों किडनी सही सलामत थी। ऑपरेशन के बाद से ही आशा देवी के पेट में दर्द व अन्य समस्या होने लगी। तब उन्होंने शहर के दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया तो वहां फिर से अल्ट्रासाउंड करवाने पर पता चला कि उनके शरीर में एक किडनी तो है ही नहीं। डॉक्टर चकलानी रमली में उसके पास में अपना पत्नी को डिलीवरी करवाने ले गए तो शीला राणा बोली कि इसको जो है पेट खोल के डिलीवरी होगा। हम बोले ठीक है। शीला राणा ने पेट खोलने के उपयोग जो है ना मेरी पत्नी का एक किडनी निकाल लिया गया। तो हम जो है मेरी पत्नी का जो है 6 महीना के बाद जो है ना एक दर्द उठा तो मैंने अपनी दर्द पत्नी को दर्द उठने के बाद जो हम जो ओ पी अमन के पास गए चेक करवाने के लिए तो वहाँ ओ पी अमन अल्ट्रासाउंड लिख दिया। अल्ट्रासाउंड के दौरान जो है ना ओ पी अमन बोले कि इसके जो है ना एक ही किडनी है, राइट किडनी है नहीं। हाँ, शीला राणा जो है लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड के पास लिख दिया अलग अलग डेट में। एक 20 तारीख को लिखा उसमें भी 2 किडनी साबित था। उसके बाद जो है ना फिर वही लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड को 23 तारीख को लिख रहा है शीला राणा। फिर वहाँ से हम करवाए उसमें भी दोनों किडनी स्पष्ट है। उसके बाद जो है पेट में दर्द होने के बाद फिर हम गए जो लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड के पास तो वहाँ फिर वही कह रहा कि राइट किडनी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं, जब अल्ट्रासाउंड से पहले डिलीवरी से पहले अगर 2 किडनी था तो डिलीवरी के बाद भी 2 किडनी होना चाहिए। तो इसलिए अगर मैंने पहले था और अभी नहीं है तब तो स्पष्ट है कि किडनी निकाल लिया गया है। लेकिन इस संबंध में उनका स्पष्टीकरण जो डॉक्टर मनोज कुमार जो संस्थापक हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद ही कुछ इस पर कार्रवाई की। हमारे साथ हुआ जो हम शीला राणा के पास गए थे डिलीवरी के टाइम में उसके साथ उसके पास गए ऑपरेशन कराने तो जो है ना मेरा अपने से अल्ट्रासाउंड कराए तो दोनों किडनी है, 2 बार अल्ट्रासाउंड कराए, दोनों बार 2 किडनी है। उसके बाद भी बच्चा पेट खोल के हुआ तो कुछ दिन के बाद जो है ना शीला राणा के पास ऑपरेशन हुआ। उसके बाद घर आ गए तो कुछ दिन के बाद हमको पेट में दर्द उखड़ने के बाद जो है हम अल्ट्रासाउंड किए ओपीएमएन सर के पास गए तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराए तो बोले कि एक ही किडनी है, एक नहीं है। तो हम लोग घबरा गए, फिर उस पर हम लोग को शक हुआ। फिर एक साल पहले जो अल्ट्रासाउंड हुआ था 2017 में फीटस के केस में था तो 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ है मेरे यहाँ, दोनों में देख रहे हैं किडनी है। लेकिन उसके एक साल के बाद 2018 में ये 4/9/2018 को जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें राइट किडनी क्लियरली नॉट विजुलाइज हम लिखे हैं, उसमें हमको नहीं दिखाई दिया तो हम वही लिखे हैं कि राइट किडनी नहीं दिखाई दे रहा है। उधर मसौढ़ी PLS महाविद्यालय में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले व्याख्याताओं की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता महासंघ प्रवक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार ने किया। इस मौके पर महासंघ के मीडिया प्रभारी अरुण कुमार गौतम सहित महाविद्यालय के सभी व्याख्याता उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 22 जनवरी 2019 को पटना में 1 मार्च निकाल राज्यपाल को मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी आगे तैयारी यह है कि 22 जनवरी को राजभवन मार्च का हम लोगों ने
आवाहन किया है। इसके तहत हम लोग सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के पूरे बिहार से आने वाले शिक्षकों के साथ राजभवन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ राजभवन की ओर मार्च करेंगे और हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अपना अरेस्टिंग देंगे। यही कार्यक्रम है हमारा कि जब तक ये दोनों मांगे अनुचित मांगे वापस नहीं लेते तब तक हमारा आंदोलन चल। उधर मोतिहारी में हजारों रसोईया कर्मियों ने मानदेय को 18,000 रुपए करने सहित अपनी 14 सूत्री मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के पास अंबेडकर भवन रोड को जाम कर अपना विरोध जताया। हमें 18,000 रुपया की मानदेय दिया जाए, ये हमारी महिला इसमें 90% से ज़्यादा महिलाएं काम करती है कि कोई अवकाश नहीं मिलता है, इसलिए विशेष अवकाश दिया जाए। और जो 10 महीना का जो मानदेय है मार्च और हमको मार्च में और जून का महीना नहीं मिलता है रसोईया को, जबकि उसमें कहा जाता है कि रसोईया काम नहीं करती है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।